सर, मुझे नए बच्चे का एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूछना था। तो इफ्लो में एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद कैसे एडमिशन होता है, तो कुछ बताइए इसके बारे में। सीधी सी बात है ना, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो आपसे मतलब ये यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट करेगा और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, NH1, NH2, NH3, NH5, NH4 यहाँ आने के बाद। और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको शायद मेल करना पड़ेगा, एक जिप फोल्डर बना के कॉलेज को मेल करना पड़ेगा। और फी पेमेंट वगैरह होने के बाद आपको हॉस्टल के लिए बोलेगा वो मेल करने के लिए, आपकी कौन सी हॉस्टल मिलेगी और आप मेल करोगे कॉलेज को, कॉलेज में कॉलेज के या जो भी हॉस्टल। लड़के मेंस के लिए तो एक ही है, बसीर मेंस हॉस्टल, और गर्ल्स के लिए दो है। तो दोनों में से अगर आपको चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, आपको मेल करना पड़ेगा हॉस्टल को, तो आपको कन्फर्मेशन जाएगा कि आपको आपका जो है रूम अलॉटमेंट आपको हो गया है। और रूम नंबर आपको नहीं बताएगा, रूम नंबर यहाँ आने के बाद आपको बताएगा। और अगर आप हैदराबाद आते हो चाहे तो यहाँ से नज़दीक जो पड़ेगा आपको स्टेशन जो भी है, एक सिकंदराबाद है, तो आप 3 किलोमीटर यहाँ से सिकंदराबाद, तो हमेशा अपना सिकंदराबाद का ही टिकट बनाए जहाँ से भी हो आप, तो नज़दीक पड़ेगा। और अगर आप एयरपोर्ट क्या कहते हैं एयरप्लेन से आते हैं तो यहाँ थोड़ा दूर पड़ेगा, 35 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ से आसान है, आसान नहीं है। तो एयरपोर्ट से कैंपस कैसे आएंगे? हाँ। वहाँ पे कैब ले सकते हैं, ओला भी मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ। और थोड़ा बड़ा है फिर भी मिल जाएगा वहाँ पे, अच्छा और हर कुछ मिल जाएगा। और आप वहाँ से भी आ सकते हो, ऐसा नहीं कि वहाँ से आते आते आपको अगर रात हो गई तो आप उधर ही रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको चाहे 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए आपको यूनिवर्सिटी ही आना है। यूनिवर्सिटी अगर आ जाओगे तत्कालिक आप यानी जब आओगे तो आपको पहले गेट पास बोलेगा बनाने के लिए, जो कि आपको ये यूनिवर्सिटी गेट जो है ना वही बन जाएगा। आप वो गेट नंबर 2nd में बनेगा, 1st और 3rd पे नहीं बनेगा, क्योंकि मेन गेट माना जाता है गेट नंबर 2 को, ठीक है। और आप लोग गलती ना करें कि मतलब गेट 1 पे जाके वहाँ पे खड़े हो जाए और आपको लगे कि मतलब गेट बंद है तो अभी इन करने नहीं देगा, क्योंकि मतलब हम लोगों ने ऐसे किया था कि जब हम लोगों को पता चला कि गेट नंबर 2nd है तो वहाँ पर इनिंग मतलब इंटर करने के लिए दिया नहीं था, तो हम लोग को लगा शायद यूनिवर्सिटी बंद है। फिर किसी ने मतलब बताया कि गेट नंबर 2nd पे जाओ और वहाँ से इन करो, तो गेट नंबर 2 पे जाना है, वहाँ गेट पास बनाना है, उनके बाद अंदर आना है। आप रात हो जाता है तो आप आओ अंदर और आपको टेम्प्रोरली रूम दिया जाएगा। और उनके बाद जो भी है हॉस्टल के अंदर एक ऑफिस है जो कि सैटरडे और संडे को बंद रहती है, शायद बंद रहती है, और आपको मंडे टू फ्राइडे वो ओपन रहती है। तो आपको क्या करना, उसमें जो भी है ना एक फॉर्म फिलअप करना होता है 2 पेज का, और जो कि हाँ वो पेज फिलअप करना पड़ता है। और आपको यानी हॉस्टल के लिए और कोर्स के लिए फीस होती है उसमें, यानी 5200 जो कि सिक्योरिटी मनी है हॉस्टल का, और यानी कि 7500 के अंदर आपका हर कुछ हो जाएगा। वो क्या कहते हैं उनके बाद आपको बगल में मतलब SBI भी बैंक है कॉलेज के खुद का, तो SBI बैंक आपको वहाँ से स्लिप मिलेगा, और 3 स्लिप होंगे जो कि आपको एक स्लिप बैंक को देना पड़ता है पेमेंट होने के बाद, पेमेंट का स्लिप, एक पेमेंट का स्लिप अपने पास रखना पड़ता है और एक उस ऑफिस हॉस्टल के ऑफिस को देना पड़ता है। और हॉस्टल का ऑफिस उनके पास आपको रूम दिया जाएगा, रूम नंबर जो परमानेंट आपका रूम होगा। तो मेरा ये सवाल पूछना था कि इफ्लो में हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है? अच्छा है, मतलब हर बच्चे को हॉस्टल मिल जाता है? हाँ, हर बच्चे को, लेकिन हाँ उसे नहीं मिलता है जो हैदराबाद के हैं, जो सारे बच्चे को मिल जाते सारे बच्चे, किसी को ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हॉस्टल काफ़ी मतलब रूम है जो कि बहुत खाली है, बहुत रूम खाली है, ठीक है। और ऐसा नहीं करता है इफ्लू, इफ्लू में यही बेस्ट है कि इफ्लू पढ़ाई तो अच्छा देता ही है और इसके साथ साथ इनका हॉस्टल बड़ी ज़बरदस्त है। आपको मैं दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में हॉस्टल के रूम कितने बड़े हैं और किनको सिंगल रूम मिलता है, किनको डबल, किनको सिंगल बेड मिलता है, किनको डबल बेड मिलता है। हाँ। तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मतलब देखिए सिंपल सा है कि एमए वालों को भी नहीं मिलता, PhD वालों को ना अक्सर सिंगल रूम, उनके बाद जो भी MA और BA वालों के लिए है उसके लिए तो सिंपल सा है कि वो
डबल बेड के साथ ही रूम मिल जाएगा और रूम बहुत अच्छा है। एक रूम में आपको 2 पंखे मिलेंगे, 3 लाइट मिलेंगे और बेड दो डबल बेड रहता है, गोदरेज रहता है, तो घबराए नहीं, बहुत अच्छी जगह आप लोग आ रहे हो। अगर आ रहे हो तो बहुत अच्छी जगह है। यूनिवर्सिटी बहुत ही छोटा है बट लेकिन बहुत ही प्यारा है, बोले तो बहुत बहुत अच्छा है। और आप लोग अगर आए और मेरा जो क्या कहते हैं, अगर जब आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने अपना क्या कहते हैं इंस्टा ट्विटर और टेलीग्राम का आईडी दे रखा है, ठीक है, और आप लोग बेझिझक मुझे मैसेज करें। और कोई प्रॉब्लम होता है अगर आप आते हो हैदराबाद नहीं पता और तो मतलब मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं मतलब जवाब दूंगा कुछ होगा तो। और आप लोग वेट कीजिए क्योंकि अभी आज जो बोले तो 2 दिन पहले सीयूटी का जो क्या कहते हो रिजल्ट आया है, तो आप लोग पोर्टल खुलने का वेट कीजिए। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि पोर्टल खुलेगा, मतलब इफ्लू का ये पता चला कि हाँ ओपन हुई है, मैं झट से आप लोगों को बताऊंगा। और बेझिझक आप लोग आइए, क्या अच्छा यूनिवर्सिटी है। और यहाँ रैगिंग की बात मुझे कोई बोल रहा है कि यहाँ पे रैगिंग होता है भैया, मैं रैगिंग की बात कहूँ तो यहाँ कुछ नहीं होता ऐसा कुछ, यही एक खास है कि यहाँ रैगिंग नहीं होती है। और बहुत ही मतलब आप अगर यहाँ आओगे तो आपको सीनियर से जूनियर से और बहुत ही मतलब ज़्यादा मतलब एक भाईचारा होता है ना, ब्रदरहुड, वो देखने को मिलेगा। आप ये यूनिवर्सिटी बहुत ही खास है और इसमें रैगिंग होने की बात बोले तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ। और आप लोग भी आ रहे हैं तो समझिए कि रैगिंग नहीं होगी और बेझिझक आइए, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।